बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तरीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक सेंट्रीपेटल फोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी डील करेंगे, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं और कौन सी अहमियत की हामिल हैं, और इसको इसका कॉन्सेप्ट भी देंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है। हमने फोर्स पढ़ा, वेट के बारे में पढ़ा, वेट के बारे में मैंने बताया कि वो भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक फोर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, टेंशन एक फोर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज एक और किस्म है, यू कैन से इट इज़ द टाइप ऑफ फोर्स, आप कह सकते हैं कि इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है उसको समझने से पहले हमें सर्कुलर मोशन का पता होना चाहिए। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था व्हेन अ बॉडी मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। अब सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स है जो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में रहने पर मजबूर करती है, जो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में ही रखती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है उसको सर्कुलर पाथ में ही रहने देती है, इधर उधर नहीं जाने देती, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेट्स सपोज आप एक धागा लें, धागे के साथ या रस्सी ले लें, उसके साथ एक पत्थर बांधते हैं और उसको इस तरह घुमाएं तेजी से। अब जो पत्थर है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, आपके हाथ से एक फोर्स लग रही है। अब जैसे आप छोड़ते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में पत्थर और धागे के साथ मूव करने लग जाता है, लेकिन आप छोड़ते नहीं हैं, आप इसको घुमाते जा रहे हैं और पत्थर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, आपके हाथ पे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक ऐसी फोर्स टूवर्ड द सेंटर, एक सेंटर से एक ऐसी फोर्स लग रही है जो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में रहने पर मजबूर कर रही है, उस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी, लेट्स सपोज ये आपके पास एक स्टोन है, ये टाइट किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ और इसको घुमा रहे हैं हम सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, ये सेंटर है, सेंटर से लेट्स सपोज अगर ये सेंटर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये सर्कल बना रहा है और इस पर कुछ ना कुछ मास एम होगा, अगर ये सर्कल बनाता है तो उसका रेडियस भी होगा और किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ भी ये मूव कर रहा है, तो ये सारी बातें इसके अंदर आ गई हैं। अब ये पत्थर तो बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक ऐसी फोर्स सेंटर से फ्रॉम सेंटर लग रही है जो उस बॉडी को मजबूर कर रही है टू कीप इन अ सर्कल, उसको सर्कल में रहने पर मजबूर कर रही है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की है, इट इज डिनोटेड बाय FC, कैपिटल F और नीचे छोटा सा C। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास M, हमारे पास लेट्स सपोज एक बॉडी है जिसका मास M है, टाइट टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इसको हमने स्ट्रिंग के एंड पे टाइट किया गया बांधा है, अब क्या करें, मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो उसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज वी है एंड इन द सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस आर, और उसका रेडियस क्या बन रहा है, आर बन रहा है। देन देखना अगर वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो इट्स मीन इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, तो हम उसको कह देते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल फोर्स की निस्बत से उसको हम क्या कह देते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन AC, एक्सेलरेशन A एंड C फॉर सेंट्रीपेटल, A फॉर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मैंने अभी बताया कि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो इट्स मीन क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा बाय सेंट्रीपेटल फोर्स FC की वजह से पैदा होगा। अब उसको हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आइए मैथमेटिकली इसको देखते हैं। ए सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन, सॉरी हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यहां पे लगाने जा रहे हैं।
एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पे किस सीक्वेंस के साथ लग रही है चेंज इन वेलोसिटी, वो ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन लग रही है स्केयर ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये आपके पास लग रही है एक्सेलरेशन यहां पे लग रहा v स्क्वायर बटा r, इस रेशियो के साथ यहां पे बॉडी मूव कर रही है, इस एक्सेलरेशन के साथ यहां पे बॉडी मूव कर रही है। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, ac इक्वल v स्क्वायर बटा r। आगे हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है f इक्वल टू ma। अब उसको मैंने सेंट्रीपेटल फोर्स के लिहाज से अरेंज किया है, f को मैंने लिख दिया fc के से रिप्लेस कर दिया है, एम मैस तो सेम रहता है, यहाँ पर भी मैस एम है, यहाँ पर भी हर जगह पे मैस एम, चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, फोर्स चेंज हो सकती है, कभी तेजी से हम घुमा सकते हैं, कभी आराम से स्लोली हम उसको मूव कर सकते हैं। एफ सी इज इक्वल टू एम ए और एम ए सी मैंने कर दिया, ए सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे पास मौजूद है, फ्रॉम इक्वेशन वन हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारा सेम लिख दिया, इक्वल की जगह इक्वल लिख दी, एम की जगह एम पे, लेकिन ए सी की वैल्यू हमने पुट की वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसका यूनिट क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मर्जी आप फोर्स ले रहे हैं हर किस्म की फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। So, as a unit of centripetal force is newton. अब यहाँ पे सवाल शार्ट क्वेश्चन, as a शार्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि write the dependence of centripetal force, कि centripetal force किस पे डिपेंड करती है, किन चीजों पे या किन फैक्टर्स पे डिपेंड, आप फैक्टर की हेडिंग बना लें या डिपेंडेंस की हेडिंग बना लें, as you wish. Centripetal force depends upon, first of all, mass पे डिपेंड करती है, फैक्टर की बात अगर हम करें तो मैस है, वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, असल में हम स्क्यूज में अगर आ जाए किस पे डिपेंड करता है तो वेलोसिटी के स्केयर पे डिपेंड करता है, सिर्फ वेलोसिटी पे नहीं है, वी स्केयर पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, वी स्केयर पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर और तीसरा फैक्टर क्या देता है, रेडियस आर, ये तीनों चीजें इसके अंदर मौजूद है, इस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी किसी चीज की डिपेंडेंस देखनी हो तो उसकी इक्वेशन या फार्मूले को देखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से क्वांटिटी मौजूद है, उस पे वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर एक एमसीक्यू आ जाए और एमसीक्यूज में दो तरह से एमसीक्यूज में बोलने जा रहा हूं, ये एमसीक्यू आ जाए कि सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैस, स्केयर ऑफ वेलोसिटी, रेडियस आर, तो फिर आप आर पे लगाएंगे। अगर ये तीनों ऑप्शन हो और आर का ऑप्शन ना हो, साथ कोई और चीज हो जाए, तो फिर आप वी स्केयर को क्लिक करेंगे। बात का तो मैस, वी, वी स्केयर, आर, ये चार ऑप्शन देता है, तो फिर आपने वी स्केयर को डिपेंड कराना है, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगी, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी पैदा होगी। इसलिए डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन स्केयर ऑफ वेलोसिटी। तो इट्स मीन ये भी आपने अलग से एमसीक्यूज के तौर पर इसको कर लेना है कि अगर मैंने तीनों को सीक्वेंस बता दी या ऑब्जर्वेशन बता दी कि इस इन इन लिहाज से ये पूछा जाता है, मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है वो वी स्केयर के लिहाज से पूछा जाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, अगर आर का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने वी स्केयर ही लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जो हमारी जमीन है वो जो सूरज के अर्थ घूम रही है, तो वो भी सेंट्रीपेटल फोर्स उस पर लग रही है, और सन उसको ग्रेविटी के फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जमीन सन के अर्थ मूव करती है। इसी तरह सर्कुलर मोशन ऑफ स्टोन अटैच विद द स्ट्रिंग, अगर एक पत्थर, ये अभी हमने डिस्कस किया, पत्थर उस स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है तो वो भी मूव जो कर रहा है उसके अंदर भी सेंट्रीपेटल फोर्स। इसी तरह अगर हम ये कहेंगे द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो आपके पास मून है वो जमीन के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो मोशन है उसके अंदर जो फोर्स लग रही है, तो उसको हम कह सकते हैं डिपेंड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स पे। तो ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन बी था, इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स की अलग से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और ये आपने डायग्राम बनानी है एक्सप्लेनेशन के साथ यूनिट डिपेंडेंस, और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अगर डील करना पड़े तो ये करना।
तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज अलग पूछी जाती है, मोस्ट कॉमनली ये एमसीक्यूज में डिपेंडेंस इसकी पूछी जाती है। आगे एक दो डेफिनेशन है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे मिलती जुलती एक डेफिनेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लग रही होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन और होता है। अब जैसे ही हम उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हैं तो सेंटर टू वर्ड द सेंटर एक फोर्स जो लग रही होती है उसको तो हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन वो पत्थर, वो बॉडी, वो मैस जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा होता है, वेट होता है ना, हमारे हाथ पर भी तो एक फोर्स लग रही होती है जो आउटवर्ड लग रही होती है। अगर छोड़ते हैं हम इसको घुमा के तो वो फौरन क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाता है। वो जो फोर्स उसको स्ट्रेट लाइन की तरफ ले जाती है, टूवर्ड आउटसाइड ले जाती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन के तौर पर काम करती है, आउटवर्ड में आउटवर्ड करती है, आउटसाइड करती है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड, जो उस स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींचता है, जो स्ट्रेट रहती है, हालांकि वो लचकदार होती है स्ट्रिंग, लेकिन आप देखते हैं जब घूम रहे होते हैं तो स्ट्रेट होती है, वो जो उसको स्ट्रेट रखती है, जो आउटवर्ड ले जाने की कोशिश करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और यहाँ पे डेफिनेशन है बैंकिंग ऑफ द रोड, ये भी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत की हमें। बैंकिंग ऑफ द रोड क्या होता है? आपने देखो होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जहां पे कर्व्ड पाथ आता है या जहां पे मोड़ आता है, तो अब मोड़ में आपने देखो होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि आप जो रोड होता है वो आउटर एज जो होता है उसका वो एलिवेट होता है, प्रिवेंट होता है, वो उठा होता है, सॉरी आपने देखो होगा, बाकी सारी सड़क स्ट्रेट है, जैसे मोड़ आता है वो ऐसे सड़क कुछ बेंड होती है। अब वो क्यों होती है? उसको अब देखें ना, तेजी से कभी मोड़ काटने, गाड़ी के अंदर आप बैठे तेजी से मोड़ काटे तो आप इस साइड पे गिरने की कोशिश करते हैं, गिरने लगते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो क्यों आप ऐसा करते हैं, आपके साथ ऐसा अचानक क्यों होता है? आप खुद तो नहीं चाह रहे थे लेकिन आपके साथ होता है, क्यों? जब आप टर्न लेते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप आउटसाइड जाने की कोशिश करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। लेकिन अब उस अगर वो स्ट्रेट पाथ हो तो हो सकता है गाड़ी जो है वो उलट जाए। अब उसके बैरूनी किनारे को ऊंचा कर दिया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस की जाती है टू कीप इन अ सर्कल, उसको सर्कुलर पाथ में उस ट्रैक में रखने के लिए उसके आउटर एज को क्या कर दिया जाता है? एलिवेट कर दिया जाता है, ऊंचा कर दिया जाता है। तो उस वक्त क्या हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उस चीज को जो वो सड़क के मोड़ वाली जगह से बैरूनी किनारा ऊपर की जाता है, ऊंचा की जाता है, कुछ इस तरह से ये जब शार्प टर्न दिया जाता है तो उसका आप देखोगे बैरूनी किनारा ऊंचा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ द रोड। आउटर एज ऑफ द कर्व रोड इज एलिवेटेड टू प्रिवेंट स्किडिंग, गिरने से रोकने के लिए बैरूनी किनारा ऊंचा कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ द रोड। ये आज हमारा टॉपिक था सेंट्रीपिटल फोर्स और